नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन लाटविया, जो कि बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी कहते हैं। उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी, जो उनका मेजर इनटेक है सितंबर 2024। तो ऐसा है कि सितंबर 2024 में मैं बार बार क्यों कहता हूँ अप्लाई करने के लिए, उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि दिस इज़ द मेजर इनटेक। इसमें सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है। अगर आप जैन इनटेक के साथ, जैन फेब वाले इनटेक के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर आप सितंबर वाले इनटेक में जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल सकते हैं, इकोनॉमिकल फीसेज मिल सकती हैं अगर आप जैन फेब वाले इनटेक के साथ कंपेयर करते हैं। एडमिशन के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और साथ में वीज़ाज के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो भी मेजर इनटेक है सितंबर वाला। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि ये दिस इज़ अवर अपना ओन एक्सपीरियंस है। मेडिकल के जितने भी प्रोग्राम हैं आपको जैन फेब वाले इनटेक में नहीं मिलेंगे, सितंबर में आपको मैक्सिमम मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारा ओन एक्सपीरियंस बोलता है। लाटविया में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। दो हमारी प्ले लिस्ट हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप फ्री में नॉलेज ले सकते हैं और आपको आइडिया हो सकता है कि लाटविया में अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या क्या हर्डल्स आती हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जैसे जैसे मैं लाटविया की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही शेंगेन की 29 कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स। प्रोफाइल चेक करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आपके लिए बेटर से बेटर क्या रह सकता है। ऐसे है कि कोई लाटविया का केस हमारे पास आता है बच्चे का, तो उसको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसका एडमिशन आने के चांसेस लाटविया में है या नहीं है। और चीज़ बता दूं, जो हमारा ओन एक्सपीरियंस है, लाटविया का एडमिशन और वीज़ा अभी टफेस्ट होता जा रहा है। अगर मैं पिछले 2-3 साल का ग्राफ लेकर चलता हूं, आगे क्या था, एडमिशन प्रोसीजर भी बहुत ईजी था, आइदर वो बैचलर है मास्टर है। अभी एडमिशन प्रोसीजर्स में ही इंटरव्यू मैंडेटरी कर दी हैं, एंट्रेंस ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैंडेटरी कर दी हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, जब वहाँ की आप अच्छी और लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं, और वीज़ा में भी इंटरव्यू मैंडेटरी रहती है। हाँ, जिन्होंने मास्टर के लिए जाना है उनके लिए वेवर हैं, उनके लिए देर इज़ नो एनी वीज़ा अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, नो एम्बेसी फीस है और ना ही एम्बेसी की इंटरव्यू है, सिर्फ मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये चीज़ें जो अनदर हैं, जैसे एडमिशन का प्रोसेस या वीज़ा का प्रोसेस, वो लिटिल बाई डे टफ होता जा रहा है। मेरे स्टूडेंट्स का भी एडमिशन रिजेक्ट होता है, वीज़ा भी रिजेक्ट होता है, चाहे लाटविया चाहे कोई भी कंट्री है, लेकिन ऐसा है कि उसमें कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, चाहे हम हैं चाहे हमारे स्टाफ है, लेकिन हम प्रिकॉशन ज़रूर लेकर चलते हैं कि अगर आप मेरे पास लाटविया में रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं तो लाटविया में भी आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस लेकर चलने हैं। ये नहीं है कि आपने कहा कि इसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसी प्रोग्राम में जाना है, कल उसमें एडमिशन ना आ पाए, आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो जाएं, तो देन अगर आप बहुत रिजिड हैं तो आप फिर लाटविया में पहुंच नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस, साथ में 2-3 कंट्रीज़ को भी लेकर चलना है जब भी आपने लाटविया का प्रोसेस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। हमारे पास बेनिफिट क्या है, सिर्फ 15,000 इंडियन रुपीज़ में हम आपका लाटविया का कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चाहे आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, चाहे आप 3 कंट्रीज़ में अप्लाई करें, और बाकी हमारी सारी की सारी फीस है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है। तो बच्चे कहते हैं कि यार इन कंट्रीज़ में क्या जाने का फ़ायदा है, ईस्टर्न कंट्री हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं, जॉब्स बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैं फिर बता दूं, मैं कोई मोटिवेशंस की वीडियो ये नहीं बना रहा हूं। इन कंट्रीज़ में जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं, नॉट इन लाटविया, सारी की सारी जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब वहाँ पर चैलेंजेस हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर आपके पास सर्वाइवल के लिए 1 साल के एक्सपेंसेस हैं, आइदर वो लाटविया है या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तब जाकर आप 1-1.5-2 साल के बाद किसी प्लेटफॉर्म पर पहुँच सकते हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या हमारे जो गलत एजेंट्स हैं, बच्चों को इस वे से मोटिवेट करके भेज देते हैं
कि आप लाटविया में जा रहे हैं, चाहे रोमानिया में जा रहे हैं, चाहे लथुनिया में जा रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएवर कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर जाते ही 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया कमाएंगे। तो दैट टाइप ऑफ मोटिवेशंस के कारण बच्चे सफल होते हैं। तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि जॉब्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए चैलेंजेस रहेंगी किसी भी कंट्री में आप जाते हैं। तो ये देखिए कि एक ऐसी कंट्री है लाटविया भी जो शेंगन का पार्ट है, एक वीज़ा के ऊपर यू कैन एक्सेस 40 कंट्रीज, शेंगन की 29 कंट्रीज तो है ही है, इसके अलावा एक दो यूरोपियन कंट्री और भी, इसके अलावा कुछ 10-12 कंट्रीज हैं। अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा है तो उन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनकैशमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो एडमिशन्स के बाद जो डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को आती हैं वो जब बच्चे का इंटरव्यू हो जाता है AIC, जिसको हम एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, तो इट विल टेक 2 मंथ्स टाइम, बहुत सारा रश है लाटविया के अंदर भी। हर एक यूनिवर्सिटीज़ में जब AIC को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर 2-2 महीने का टाइम लग रहा है। तो अभी देख लीजिए मई आ चुका है, तो कब अप्लाई करेंगे, कब AIC आएगा, तो कब आपकी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर जाएगी, इन सब चीज़ों को माइंड में लेकर चलना है। हेलो वेरीफाई प्रोसेस के अंदर आपकी ITR कितनी इंपॉर्टेंट है, जब आपने हेलो वेरीफाई कराना है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वेरीफिकेशन होती हैं। देयर आफ्टर जब आपका यही आपका हेलो वेरीफाई हो जाता तो आपको भी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेकर अपने बायोमेट्रिक और इंटरव्यू देने के लिए एम्बेसी में जाना पड़ता है, जिन्होंने बैचलर डिग्री के लिए जाना है। तो हमारे पास वहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसकी 2-2.5 लाख रुपये की साल की फ़ीस है। तो ये देखिए कि 2.5 लाख रुपये की फ़ीस पे जाने के बाद आप वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी काउंसलिंग हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से प्रोग्रामों की अवेलेबिलिटीज़ हैं, कौन से प्रोग्राम आपको उन कंट्रीज़ में करने चाहिए, ऐसी सारी की सारी हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई अकोमोडेशन में दिक्कत है तो उसको आप सॉल्व कैसे करना है, ये भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपने अपना एडमिशन अपने लेवल पर लिया हुआ है तो आप सिर्फ हमें फर्दर वीज़ा फाइलिंग में असिस्टेंस चाहते हैं, जहाँ आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपने फ़ंड्स किस वे से शो करने हैं। तो फंड्स से रिलेटेड भी हमारी एक प्लेलिस्ट है कि आपने जो फंड्स दिखाने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगाया है। तो आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। आपका वीज़ा अप्रूवल होने के बाद आपका पासपोर्ट भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा और सारी की सारी आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू, अगर आप लाटविया या लाटविया के अलावा भी किसी भी कंट्री का प्रोसेस करते हैं। तो साथ में जिन बच्चों के लाटविया के एडमिशन रिजेक्टेड हो चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स बार बार हो रहे हैं, उनका प्रोफाइल देखने के बाद उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए लाटविया में जाना है तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो लाटविया के अलावा आपके पास कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो वो उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपका लाटविया का वीज़ा भी रिफ्यूज्ड है तो लाटविया के वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद आपको कौन सी शेंगन कंट्री इजीली वीज़ा दे सकती है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। और साथ में लाटविया में ये भी ऑप्शंस आ चुके हैं कि लाटविया में आप अपनी स्पाउस को भी अकंपनी कर सकते हैं, लेकिन स्पाउस को अकंपनी करना है तो आफ्टर 3 मंथ आपको अपना स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। उस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, OCME इन्विटेशन कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी से कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो स्टूडेंट अभी लाटविया में अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस टाइप की सर्विस क्राउन इमिग्रेशन से लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।